और यानी कि शुभम की संदिग्ध परिस्थितियों में जान गई, एक रिजॉर्ट में सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे। अब जो कपाही जो सिक्योरिटी होनी के यहाँ पे 3 बजे से आप 11 बजे से आप आ रहे हो यार, ये कोई बात आप कौन हो पहुंचे हैं बताइए। मैं कपाही कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लिमिटेड से जनरल मैनेजर बात कर रहा हूँ। अच्छा, जी एम आए हैं, जी एम है। तो क्या प्रोविजन है, क्या प्रावधान रहता है अगर आपके एम्प्लॉय की, आपके द्वारा डिप्लॉय किए हुए एम्प्लॉय की कहीं जान चली जाती है संदिग्ध परिस्थितियों में, तो आपके कंपनी का क्या प्रोविजन है? मैम कंपनी के साइड से जो भी होगा, क्या जो भी मिलेगा मुझे बोलने का मौका तो देगा। ठीक, कंपनी की तरफ से जो भी प्रावधान है वो हम करेंगे, हम इनके साथ हैं। ठीक है, आपके परिवार के साथ हैं, जो इनका बेटा गया वो इनका अगर बेटा था तो हमारा भी एम्प्लॉय था, बेशक हमारे साथ वो कभी से भी काम था आपका। आप 3 बजे आ रहे हो, कहाँ बेटा था? ड्रामे कर रहा है। मैं सुबह थाने में भी था, फिर क्या वहाँ से गया, फिर थोड़ा ऑफिस में अर्जेंट काम था, साहब ने मुझे बुलाया, मैं ऑफिस चला गया। जैसे मुझे फोन आया, मुझे आने में 10-15-20 मिनट हो सकता है, आधा घंटा देर होगी, लेकिन मैं अभी भी बोल रहा हूँ हम इनके साथ। वो बोल रहे आपकी डीसी के साथ मीटिंग चल रही थी? नहीं, मेरी नहीं सर, एमडी साहब हमारे, कपाही साहब। कई बार ऐसा होता है जैसे इस परिस्थिति में जान किसी की जाते हैं तब तो आप वादे करते हैं, कंपनीज करती हैं, बाद में जो ही क्रीमेशन होता है तो ये लोग चक्कर ही लगाते रह जाएंगे। आप क्या रिटर्न में देंगे कुछ? कोई रिटर्न में देखिए, अभी भी हम इनके साथ हैं, हम बोल रहे हैं कि हम इनके साथ हैं। मतलब रिटर्न में क्या दे सकते हैं, कल को उनको धक्के नहीं खाने पड़े? मैं देखिए, मैं भी एक एम्प्लॉई हूँ, जैसे वो फील्ड का एम्प्लॉई था, मैं ऑफिस का एम्प्लॉई हूँ। ठीक है, मैं ऑफिस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, एमडी साहब से मेरी जो भी बात हुई है अभी, उनसे यही है, सतीश आप जाओ मौके पे, देखो फैमिली को आश्वासन दो, हम इनके साथ हैं, जो अभी हमारी तरफ से होगा हम इंस्टेंट में करेंगे। ठीक है, हमारा ऑफिस है, आपकी कपाही जो है, आप यानी एम्प्लॉय को जब आप कहीं सिक्योरिटी गार्ड के लिए अपॉइंट करते हैं, आप अपनी कंपनी की, तो आपकी कंपनी है ना, कंपनी जब सिक्योरिटी गार्ड आप जब कभी बैंकों में लगाते हैं, कभी किसी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लगाते हैं, क्या प्रावधान रहता है ये मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। कंपनी के क्या एक कमेटी है इंस्टेंट जो इनको हेल्प चाहिए कमीशन के लिए, हम नहीं चाहते कि ऐसी हेल्प किसी को दे, बिल्कुल ऊपर वाला ना चाहे किसी को ऐसी हेल्प की जरूरत हो, लेकिन अभी भी हम इनके साथ हैं, हेल्प करेंगे इमरजेंसी में, जो हेल्प हमारी तरफ से होगी। सर नहीं, वो मेरा बोलने का मकसद नहीं है, हम अगर किसी को एम्प्लॉयमेंट चाहिए घर में हम वो भी देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी कंपनी है, वी आर नॉट ऑन द रोड्स। तो मैं वही इनसे कहना चाह रहा हूँ कि जो भी मसला हल होगा शांति से होगा, मैं इनको बार बार यही कह रहा हूँ कि हम इनके साथ हैं, क्योंकि गुस्से से ये सारी चीज़ें हल नहीं होती है। ऑफिस जाएंगे, बैठेंगे, जो ये चाहते हैं ऑफिस आए, हमारा ऑफिस खुला है, कभी भी चाहिए। सर देखिए, मैंने आपको मना तो नहीं किया, मैंने मना तो नहीं किया, मना नहीं किया ना हमने आपको, मैंने फिर भी बोल रहा हूँ कि हम इनके साथ हैं, इनकी फैमिलीज के साथ हैं, और अगर रिटर्न में करें सर देखिए, मैं आपसे यही चाहता हूँ कि एट ए टाइम रोड के ऊपर रिटर्न में तो कुछ नहीं होता ना, मुझे भी जाके एक बार कल को अगर आप वर्बली कह रहे हैं तो वर्बली इज नॉट ऑथेंटिकेट ना, ऑथेंटिकेशन तो नहीं होती ना कि आप लिख के दे रहे कुछ ऐसा करें, कल कोई परिवार कहाँ धक्के खाएगा, वो 2.5 साल की बच्ची है। मीडिया आज भी है, मीडिया कल भी है, मीडिया परसों भी है, जब तक ये दुनिया मीडिया है, आप आज मुझसे बात कर रहे हैं ना, कल भी कर सकते हैं, लाइव चल रहा है, हाँ कल भी कर सकते हैं, परसों भी कर सकते हैं, उसके लिए तो कुछ नहीं है ना, उसके लिए मैं भी छुपा नहीं हूँ, हमारे एमडी साहब भी छुपे नहीं, हमारी कंपनी भी छुपी नहीं बनेगी। आप बताइए किस तरह से बात, ये नहीं बात बनेगी, अपने एमडी साहब से बात करें, किसी को बुलाएं इधर, मैं वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं वही रिक्वेस्ट, एमडी साहब ने बोला आप जाइए, देखिए उन्होंने ये बोला इनको 5,000 दिए, उनको संस्कार कर दे। सर मैंने क्या बोला, मैंने तो पैसे की, अब आप बताएं आपकी क्या बात। देखिए मेरी बात सुनो, एमडी सर आएंगे, चल गया ड्यूटी मेरा। सर देखिए, आप ही लिख सकते हैं ड्यूटी, आप ही के एम्प्लॉई हैं, ठीक है, आप तो इनका मैसेज एज ए मीडिएटर बन के यहाँ पर आए ना, बिल्कुल। तो जो जिन्होंने ऑल ऑफ सडन करना,
जिनके हाथ में पावर है तो उनको तो आना चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ, आप क्या चाहते हैं मुझे वो पता चले फिर उनसे बात करूँ। आप लिटर में लिख के दो, उधर क्या लिटर में लिख के दो, लिटर में लिख के दो ऑन ड्यूटी टाइम और किसी डेथ होती है एम्प्लॉय की, आपका प्रावधान क्या है, आप कंपनी की तरफ क्या है, कंपनी का क्या है ना। हमारे में देखिए, हमारे में प्रावधान है, ठीक है, प्रावधान है कि अगर कोई घर से कमाने वाला है हम उसको एम्प्लॉयमेंट देंगे, एक है दो है जवान बच्चा है जो भी है एम्प्लॉयमेंट देंगे, जिसको भी आप चाहते हैं। दूसरी रही फाइनेंशियल हेल्प की बात, उसके लिए भी हम तैयार हैं, लेकिन क्या करोगे फाइनेंशियल बताओ। सर देखिए, मैंने आपको पहले बोला इमीडिएट तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ। टर्म्स एंड कंडीशन होती है ना कंपनी की, हर कंपनी की, तो कहीं ना कोई लिखित में आपने टर्म्स एंड कंडीशन जब आप साइन करवाते होंगे कुछ ना कुछ तो उसमें लिखित होता है, आपको तो पता होगा ना। देखिए मैं वही तो कह रहा हूँ कि हमें देखने का समझने का मौका तो दीजिए आप। मौका सुबह से सुबह भी रहता हूँ, आपका नींद भी रहता है, समझ नहीं आया आपको, आपको अंदर का लाभ तक क्या हुआ है, कितने घंटे हो गए उसके आगे। देखो मेरी मेरी भी इम्प्लॉई यहाँ पे आया है, वो आपको टाइम पे टाइम इन्फॉर्म कर रहा है, कर रहा है, करेंगे ना, बोल तो रहा हूँ, बच्ची है, मैं समझ रहा हूँ। जी हमारे डीडीसी और बीडीसी है, आओ सर, जी सर, इधर आओ, हम सरपंच के यहाँ पंच भी आए सारे। सर आप इस समय इनकी कोई हेल्प कर सकते हैं, बताइए सर, बताइए छोटे 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 बच्चे हैं इनके, एक तो इनके परिवार को नौकरी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, तो कम से कम इनके परिवार जो छोटे छोटे बच्चे रह गए ना उनको 20 लाख रुपया आप पहले आप चेक काटो, चेक काट के हमारे मीडिया के सामने ये रिटर्न में देना होगा, नहीं तो हम यहीं से अपने जो हमारा शुभम जी की डेथ हुई ना इस जैसे ही पोस्टमार्टम खत्म होता है तो हम उनको ना रोड के ऊपर रखेंगे, रोड को ब्लॉक करेंगे जब तक आपने कोई उनको नहीं है, तो ये थोड़ी बात है, सुबह की डेथ हुई अभी आ रहे हैं आप, ऐसे थोड़ी हो सकता है, लगेगा 20 लाख का और रिटर्न में चेक जाइए, जांच होनी चाहिए आखिर उस लड़की के साथ हुआ क्या। बिल्कुल मैं तो चाहता हूँ, बिल्कुल किसी ने सुबह का क्या कर रहे थे, देखो मेरे मेरे ऑपरेशन टीम सारी इधर, कौन है बोला ये कैंटीन में आए वो वहाँ पे है, हमारे भार्गव साहब थे जो हमारे हमारे जीएम साहब आए हैं, हमारे जीएम साहब ने आपको पूरा आश्वासन दिया, सुबह से आपके साथ मैं सुबह से आ गया हूँ, सुबह से जिस तरह हमारे साथ बात की ना हमारे लोगों के साथ, अगर इन्होंने बहुत गलत बात की, देख लीजिए जिस तरह से वो जुड़ती है सर, जिस तरह से एक बात कोयला बहन है, लेकिन कोयला कहाँ से आया ये बताओ भाई, चलो ऐसे कोयले रहते तो चेक कटो 20 लाख, अगर कोयले के साथ, कोयले के साथ उनकी डेथ हुई है, अगर कोयले की डेथ हुई है कोयला कहाँ से आया, कोयला तो बहन है, चलो वो भार्गव रिजॉर्ट में जो भी है वो भार्गव रिजॉर्ट के अंदर साथ है, जो डिमांड कर रहे हैं कि 20 लाख का दोनों मिल, सुनिए भार्गव और आप बंदे कोला ला दो बंदे सर, मेरी बात सुनो, हमारी ऑपरेशन टीम अलग है, ऑफिस की टीम अलग है, आई एम फ्रॉम द ऑफिस टीम, ठीक है, ऑपरेशन टीम देखती है कि ऑपरेशन में क्या हो रहा है, सुनिए मैं फोन कर रहा हूँ सर, बात आ रही है अभी कंपनसेशन की, आप फोन कर लीजिए एमडी को, बोलिए ये डिमांड क्या है, हम इनकी वाइफ को नौकरी देंगे, मैडम हम इनकी पूरी फैमिली के साथ हैं, हम इनको नौकरी देंगे, इनकी जो परिवार है जो नौकरी कर सकता है हम उसको नौकरी देंगे, पूरी फैमिली को हम नौकरी देंगे, जैसे ही लगता है ऐसा कुछ नहीं है भैया, दो मेरे के लिए अपने ऑफिस स्टाफ के लिए हम उनको इंक्लूड करेंगे, इतनी छोटी लड़की क्या कर रही हूँ, दो ढाई साल की बच्ची, जो इनकी बीवी की बात कर रहा हूँ मैं, इनकी बीवी है, मुझे टाइम दीजिए बात करिए, आप एमडी साहब से बात कीजिए ना कि ये डिमांड रखी है उन्होंने, अगर कर सकते हैं तो ठीक है बता दीजिए इनको, एमडी से करें आप बात, भार्गव और आप मिलकर करो ना जो भी कमेंट, अकेले वो तो आप थोड़ी कह रहे हैं, ऐसे थोड़ी कर रही है, जो अब हो जाना है वो बाद में नहीं होगा, बाद में कहां जाएंगे, गरीब
बैठा है हमारा बच्चा मारकर बैठा है हमारे हमें इंसाफ चाहिए हमारा बच्चा मारकर आप अंदर बढ़ गई है क्यों क्यों मर गया उसका भी मरे पता लग गए कैसे मरता है इतनी जल्दी किसी की डेथ नहीं हो सकती हम नहीं मानेंगे हमें इंसाफ चाहिए हमें इंसाफ चाहिए हमारा बच्चा वापस चाहिए हमारा बच्चा वापस चाहिए हमें बच्चा चाहिए हमको क्यों कहाँ से आया कोयला कोयला पैलेस में कहाँ से आया किसने लाया किसने लाया किसने लाया कोयला किसने लाया पैलेस में कहाँ से आया कोयला कहाँ से आया बताओ किसने लाया कोयला बताओ किसने लाया पैलेस में कोयला किसने इसने मेरा बच्चा फूका क्यों क्यों फूका इसने लाया है इसने लाया है कोयला इन्हें सबके मिलकर लाया है पैलेस में क्यों लाया हमारे बच्चा मारा क्यों क्यों मारा हमें इंसाफ चाहिए अपना हमारा बच्चा वापस चाहिए हमें अपना वो जिस तरह से कह रहे हैं कि आप इस समय देख रहे हैं साफ तौर पर मैंने कहा कि बच्ची छोटी है 2.5 साल की इसकी वाइफ माता पिता शुभम ही कमाने वाला था 20 लाख इन्होंने कहा कि उनके आगे पालन पोषण के लिए ये कम्पनसेशन देना होगा और जहाँ पर आपने देखा कि MD आए थे यहाँ पर यानी कि GM आए थे जनरल मैनेजर आए थे जो कपाही सिक्योरिटी के हैं तो उन्होंने कहा कि मैं ऊपर से बात कर देखना वो क्या बात करते हैं क्या इन्हें आश्वस्त कर पाएंगे अदरवाइज इन्होंने इस समय परिवार वालों के स्थानीय लोगों में रोष है गुस्सा है कि ये कोई भी कम्पनसेशन शुभम को वापस तो नहीं ला सकता पर हाँ उसके परिवार गरीब परिवार आखिर कहाँ जाएगा कहाँ दर बदर भटकेगा क्योंकि ऐसा होता है जब इस तरह की घटना होती है तो पहले कहा जाता है आश्वासन दिया जाता है पर बाद में जो ही क्रीमेशन की सारी रसूमात होती है तो वो परिवार धक्के खाता रहता है इस समय परिवार जो है दुख में है माँ का रो रो कर बुरा हाल है आप देख रहे हैं इस समय के दृश्य जब किसी गरीब परिवार का यानी कि घर का सदस्य जाता है किस कदर कमाने वाला जाता है किस कदर उनकी उस घर के ऊपर एक दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है उस घर का क्योंकि कोयले पर जैसे बताया जा रहा था बैन है ना कोयले पर आप भी जानते हैं तो फिर कोयला रिजॉर्ट में कैसे आया जिसे शुभम सेंक रहा था उसके बाद अनकॉन्शियस हुआ और उसकी उसी कोयले में यानी गिर कर झुलस गया और उसकी जान चली गई तो क्या ये जिम्मेदारी है रिजॉर्ट की कि कोई भी अगर उनका कर्मचारी काम करता है इस तरह से लापरवाही बढ़ती जाती है ये कि जिम्मेदारी बनती है उन पर भी शिकव सवाल ਕੰਟੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ 5 ਮਿੰਟ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਟੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ
घंटे ए गुलू गुलू इस समय आप देख रहे हैं जो दृश्य गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के मार्चरी रूम के बाहर के हैं। इस समय तनाव का माहौल बना हुआ है। परिवार वाले शुभम के परिवार जो एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था भार्गव रिजॉर्ट में और कपाही सिक्योरिटी की कंपनी के अंतर्गत यहाँ जो इसे कार्यरत था परिवार की, यानी कल अगर बात करें तो शुभम की संदिग्ध परिस्थितियों में जान चली गई है कि कहा जा रहा था वो आग सेक रहा था और उसी आग के ऊपर वो गिरकर झुलस गया था। और यहाँ पर इस समय के जो दृश्य हम आपको बता रहे हैं, इस समय गुस्से में है परिवार, कह रहा मैं कंपनसेशन मिला, क्योंकि शुभम
की 2.5 साल की बच्ची है, गरीब परिवार है, और आज ये कह रहे हैं कि शुम तो वापस नहीं आएगा, पर उसके परिवार का क्या, उसकी 2.5 साल की बच्ची का क्या। और हमने बताया कुछ देर पहले कि जो जनरल मैनेजर थे कपाही कंपनी के, वो यहाँ पर पहुँचे हैं, उन्होंने कहा कि MD से बात करेंगे, पर हमने पूछा कि प्रावधान क्या रहता अगर आपका कोई एम्प्लाई जिसे आप सिक्योरिटी गार्ड जिसे आप डिप्यूट करते हैं रखते हैं अपनी कंपनी के अंतर्गत कहीं उसे लगवाते हैं, तो क्या प्रावधान रहता है उसे कंपनसेशन का। क्योंकि परिवार का कहना है कि अगर जल्द यहाँ पे कपाही कंपनी का या ऑल ऑफ सडन हमें यहाँ पे बताया जाए कि क्या कंपनसेशन तय की जाएगी, अन्यथा हम डेड बॉडी को, शुम की डेड बॉडी को यहाँ पर सड़क पर रखकर प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल शिवम वापस तो नहीं आएगा, पर उस परिवार के लिए एक दुखद के पल हैं, जिस परिवार का वो सदस्य था, जिस माँ का वो माता पिता का वो बेटा था, जिस बहन का वो भाई था, जिस पत्नी का वो पति था, जिस 2.5 साल की बच्ची का वो पिता था, पर यही मांग कर रहे हैं क्योंकि कमाने वाला वही था, गरीब परिवार है, और ये चिंता सताई जा रही है कि अब आने वाले समय में उसकी छोटी बच्ची का और उस पत्नी का क्या होगा, उस माता पिता का क्या होगा, जो घर का यानी खर्चा उठाता था एक सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर, कम तनख्वाह में अपने परिवार की रोजी रोटी का यानी एक जरिया था, अब कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि हमें मुआवजा मिले ताकि आने वाले समय में उसकी बच्ची की, उसके परिवार की, जो खासकर उसकी पत्नी है, उसकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं यानी कि सही हो, उन्हें भुखमरी का शिकार ना होना पड़े। इन्होंने कहा कि हमें बारगवा कंपनी और साथ ही साथ जो कपाही बारगवा रिजॉर्ट से कपाही जो सिक्योरिटी कंपनी है वो मुआवजा दे और यहीं पर मुआवजा की घोषणा हो, ताकि हमें उसके बाद जब हम अंतिम संस्कार कर रहे हैं शुभम का तो हमें धक्के ना खाने पड़े। अब देखते हैं किस तरह से दोनों जो भार्गव रिजॉर्ट के जो अधिकारी हैं या मालिक हैं वो और जो कंपनी है कपाही वो मिलकर क्या आश्वस्त कर पाते हैं, ये तो आने वाले समय बताएगा। फिलहाल ये कहेंगे कि दुखद खबर है, एक सिक्योरिटी गार्ड की संदिग्ध परिस्थितियों में जान गई है, इसमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मॉर्चरी रूम में अंदर उसकी डेड बॉडी रखी हुई है, परिवार में रोष है और इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर, अपने कमेंट अपने सुझाव हमें जरूर दीजिएगा, इस वीडियो को जितना सके शेयर कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।